ये मेरे रूम के नजदीक एक शॉप है जहाँ पे घोड़े का मीट बिकता है। इसमें खाली पेट में जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा उल्टी ना हो जाए। इज दिस हॉर्स मीट ब्रांड 17 यूरो किलो। अजीब सा स्मेल है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो गाइस, मेरा नया एक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आप लोगों से एक क्वेश्चन है पहले। तो दुनिया में ऐसा कोई मीट है जो इंसान नहीं खाता? अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा रूम के नज़दीक एक शॉप है जहाँ पे घोड़े का मीट बिकता है। तो घोड़े का वहाँ पे बीफ, पोर्क, चिकन, बहुत सारे टाइप का मीट बिकता है। तो मैं आप लोग को ले जाकर दिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि बहुत सारे भाई लोग जो एशिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को मीट को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी पसंद नहीं करता, कोई पोर्क पसंद नहीं करता। तो अब जब कोई सिर्फ माल्टा के लिए नहीं, अब जब कोई यूरोप कंट्री, कोई फॉरेनर कंट्री में जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो आप कहीं भी जाओगे, कोई रेस्टोरेंट में जाओगे, थोड़ा मीट वगैरह देख के खाना। क्योंकि देखो, अगर हमारी कंट्री में क्या होता है, सब चीज़ अलग अलग से बिकता है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो इंडियन ग्रोसरी होता है, पाकिस्तान ग्रोसरी होता है, यही ढूंढना। तो यहाँ पे आपको अच्छा चीज़ मिल जाएगा, सेपरेट मिलेगा। नहीं तो सब कुछ यहाँ पे देखो, यहाँ का जो लोग हैं दूसरा चाइना वगैरह, इन लोगों का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बीफ के साथ पोर्क के साथ बीफ, घोड़े एक साथ से ऊपर रख देगा, इन लोगों का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे जितने भी फॉरेनर लोग, कंट्री का लोग होते हैं, उन लोगों का जो ग्रोसरी रहता है, तो उन लोगों का मीट वगैरह सब साथ में रहता है। तो आप जाओगे तो मतलब थोड़ा आपको अजीब सा फील होगा, आप तो खा नहीं पाओगे। तो आप कभी भी मीट वगैरह खरीदोगे थोड़ा सोच समझ के खरीद लेना। तो मेरा एक नज़दीक एक मीट शॉप है, तो वहाँ पे मैं जाके देखा कि वहाँ पे घोड़े का भी मीट बिक रहा है। तो इस माल्टा में घोड़े पालते हैं, जैसे हमारे कंट्री में गाय भैंस पालते हैं ना, वो खाने के लिए, दूध के लिए पालते हैं, तो यहाँ पे घोड़े पालते हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई यहाँ के घोड़े का काम क्या है। घोड़े का, जैसे हमारे कंट्री में अगर घोड़े पालते हैं तो उसको काम करवाता है, और यहाँ पे घोड़सवारी भी नहीं होता, तो इसका काम क्या है। तो बाद में मेरे को पता चला कि भाई ये लोग मीट के लिए यूज़ करते हैं, घोड़े का मीट खाता है। तो मेरे नज़दीक एक शॉप है, मैं आप लोगों को ले जा कर दिखाने वाला हूँ यहाँ का जितना भी मीट है और उसका कॉस्ट कितना है और वो कैसे वो लोग रखा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खाने का मैटर है गाइस। तो गाइस, मैं शॉप का नज़दीक पहुँच गया हूँ, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए आगे जो है ये मीट का शॉप है। गाइस, मैं खाली पेट में जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा उल्टी ना हो जाए। कल जिसके साथ मैं बात किया था वो तो आज है नहीं, पता नहीं वीडियो बनाने देगा या नहीं देगा। तो शॉप के अंदर जा रहा हूँ, अभी से बाहर से स्मेल आ रहा है यार मीट का। तो चलिए मैं अंदर ले जाकर दिखाता हूँ। हेलो, इज दिस हॉर्स मीट ब्रांड? द वेस्टर्न बीफ हॉर्स मीट। व्हिच वन इज हॉर्स? नो, बट ये स्टडी है इसके, वन वीक हॉर्स मीट। नाउ बीफ, पोर्क, चिकन, बस ऑल पीपल beef. Beef from the Cameroon, no nice, not regular fresh. All fresh, everything is all fresh. All fresh, well, no nice, no ice, no frozen. Chicken also chicken fresh. Chicken fresh, no frozen. Okay, all right. What is this? No shoot or crudo, the ham crudo. This one? Yes. Beef? No, pork. Butter pork, leg fish. What is it? Ham. Yes. तो गाइस, यहाँ पे कल मैं जो घोड़े का मीट देखा था, यहाँ पे बीफ का मीट। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ना इसका मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं इसका बुराई कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर घोड़े का मीट रहेगा, यहाँ पे अगर बीफ का मीट रहेगा, जो कोई अगर थोड़ा सा एक किलो आधे किलो लेगा, काट के लेगा, थोड़ा सा भी मिक्स हो सकता है।
मतलब जो रेड मीट है आपको कैसे पता चलेगा कि ये घोड़े का या बीफ का मिक्स हो सकता है? और इस साइड में पोर्क है, उधर चिकन है और उधर भी चिकन है। हाउ मच किलो पर चिकन हाउ मच किलो? चिकन हाउ मच किलो? हाँ 8 यूरो। तो यहाँ पे चिकन 8 यूरो किलो है, काफ़ी महंगा है। तो दूसरे जगह में जहाँ से मैं चिकन लेता हूँ वहाँ पे मतलब लेग पीस भी सस्ता है, ये चिकन विंग्स भी सस्ता है। और यहाँ पे बॉल चिकन मैं दूसरे जगह से लोगे तो वहाँ से मैं 4.5 यूरो 5 यूरो के नज़दीक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 यूरो किलो है, काफ़ी महंगे हैं। और यहाँ पे देखो चिकन जो व्हाइट मीट होता है, चिकन पोर्क, और यहाँ पे देखो पोर्क बीफ सब कुछ साथ में है। तो गैस मैं अंदर ज़्यादा देर तक मैं टिक नहीं पाया, उसका मेल अजीब सा स्मेल है तो मेरे को उल्टी आने लग गया था, तो मैं बाहर आ गया। तो बस यही कहना चाहता हूँ गैस, अगर जो एशिया कंट्री से आते हो जो सब कुछ खा लेते हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग बीफ में पोर्क में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, क्योंकि देखो वहाँ पे घोड़े का मीट बीफ एक साथ रखा था। अगर कोई सोचो वहाँ पे एक मीट है, दो ढाई किलो का मीट है, कोई 1.5 किलो ले लिया, वहाँ पे छोटा सा टुकड़ा बचेगा तो मिक्स भी हो सकता है, क्योंकि जो घोड़े का मीट है वो भी रेड है, जो बीफ है वो भी रेड है, जो पोर्क वो तो व्हाइट चिकन व्हाइट मीट हो गया। तो देखो यहाँ पे चिकन पोर्क बीफ हॉर्स मीट सब कुछ एक साथ रखा। तो भाई मेरे को तो खाली पेट में गया, मेरे को उल्टी आने लग गया था कसम से यार, अजीब सा स्मेल है। कल एक बंदे से मिला था, उसने मेरे को बोला कि 11 बजे आ जाना, मीट पूरा फूल रहेगा। तो वो बंदे भी आज नहीं है और यहाँ पे अभी हॉर्स मीट नहीं है, तो हॉर्स मीट के बोल रहे कि 1 हफ्ते के बाद आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलता है और बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपने देखा जो वहाँ का चिकन था बहुत ही महंगा है, यहाँ पे हर चीज़ डबल प्राइस है उसका। जो चिकन है वो 8 यूरो है, दूसरे जगह से लोगे आपको 4.5 यूरो 5 यूरो किलो मिल जाएगा फ्रेश चिकन, मतलब होल चिकन। और जो चिकन लेग होता है 280 और 350 का आपको मिल जाएगा चिकन लेग चिकन विंग्स ऐसा, लेकिन यहाँ पे पूरा सब कुछ डबल है। और यहाँ पे जो बीफ बकर है, बीफ हॉर्स मीट, यहाँ पे उसका प्राइस डबल है। जैसे आप अगर दूसरा शॉप से लोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 7.5-8 यूरो में मिल जाएगा। तो बस आप लोग को यही दिखाना था, मेन मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पे अगर आप कभी भी आओगे, मतलब बाहर कोई भी कंट्री में जाओगे, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो थोड़ा सोच समझ के खाना खाना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का मीट का हालत कैसा है, सब कुछ साथ में रहता है। अगर आपको मीट खाना है तो कोई भी मतलब इंडियन पाकिस्तानी शॉप से मीट खरीद लेना, वहाँ पे आपको अच्छा मिल जाएगा और सब कुछ सेपरेट रहेगा। तो वीडियो बस यही था, आप लोग को यही बताना था, होप आप लोग को मेरा बात समझ में आया होगा। और तो गाइस आज के लिए मेरा ये ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अपना भाई भी मेहनत कर रहा है तो आपका भी हक बनता है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों को प्यार मिलेगा तो माल्टा के हर कोने कोने जाके मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, और सिर्फ माल्टा नहीं बहुत सारे कंट्री अभी घूमना बाकी है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, ओके, खुदा हाफिज़।